जीतेंगे लेकिन कम मार दीजिए गडकरी जी आएंगे तो गडकरी से विकास ठाकरे आपके हिसाब से कौन आना चाहिए विकास ठाकरे नीतीश एक बार फिर आप सभी का स्वागत है महान्यूज 7 के शो नागपुरी सावजी चुनावी तड़का में। नागपुर शहर में 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई कम वोटिंग के बाद हम इस वक्त मौजूद है पश्चिम नागपुर में, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के गद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस जी का निवास स्थान भी है। आखिर क्या है जनता का मूड इस कम वोटिंग वाले चुनाव के बाद, आइए जनता से सीधे पूछते हैं। हम इस समय पश्चिम नागपुर के एक मशहूर चौराहे पर उपस्थित है, यहाँ पर कुछ जागरूक वोटर्स हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। पर बताइए कि इस समय इस बार नागपुर में कम वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड कम वोटिंग हुई, इसके कारण क्या हो सकते हैं? वोटिंग वैसे पिछले बार से बहुत कम नहीं हुई है, पिछले बार जो परसेंटेज था लगभग उससे थोड़ा 1% या 1.5% 2% कम हुआ है। तो वैसे तो मतलब जो आकलन हुआ था कि 75 होगा 80 होगा ऐसा लोग कह रहे थे, ऐसा पार्टियों का कहना था, बट अदरवाइज जो होता है उतना ही वोटिंग परसेंटेज हुआ है मेरे हिसाब से। क्या ये 1 या 2% जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स पर फर्क डाल सकेंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर देखे, पुराना डेटा अगर देखे, तो 2% वोटर कौन सा होगा जिसने शायद वोटिंग नहीं किया होगा? उसकी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो जनरली धूप के कारण लोगों ने नहीं आए होंगे, तो वो दोनों साइड के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इतना बड़ा कैंडिडेट है कि लोगों ने सोचा कि गडकरी साहब तो वैसे जीतने ही वाले हैं, वो एक कारण हो सकता है कि चलो मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा रिलैक्स हो गए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ऑपोजिशन वोटर भी ये सोच सकता है कि यार गडकरी साहब तो जीतने ही वाले, मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। आपको पर्सनली क्या लगता है कौन जीतने वाला है? गडकरी साहब जीतेंगे। अब अगर आप पिछले बार और इस बार के वोट परसेंट का दोनों पार्टी वाइज अगर गैप देखेंगे तो वो गैप इतना बड़ा है, 20-22% का गैप है, कि वो टर्न अराउंड होके कांग्रेस के कैंडिडेट ने लीड लेना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। सर परसेंटेज जो है ये वोटिंग का, क्या ये डिपेंड है कि कई लोगों का कंप्लेंट है इसमें कि लिस्ट में नाम नहीं है, अचानक से गायब हो गए, इसका कोई फर्क पड़ सकता है? अभी लोगों में ही अवेयरनेस चाहिए बेसिकली, कि अपना खुद का एनरोलमेंट खुद ही करना चाहिए। अब कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, वो आते हैं आपके घर पे, पर आप ही खुद इनिशिएटिव नहीं लेते हो तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इनिशिएटिव खुद को लेना पड़ेगा, अपने को वोटर लिस्ट, अपने को वोट डालना है, ये अपना हक है, ये अपने को खुद को ही बताना पड़ेगा। जैसे वेस्ट नागपुर में 15,000 लोगों की लिस्ट में से नाम गायब है, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन पर, वोटिंग परसेंट? मुझे कम लगता है, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा इसके आउटकम में फ़र्क पड़ेगा। हाँ मतलब वो ये इरेगुलरिटी तो है, इसको बराबर होना चाहिए, मतलब लोगों का नाम होना चाहिए, क्यों नहीं है ये एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके वजह से रिजल्ट अफेक्ट होगा ये बोलना थोड़ा मतलब ज़्यादा रीड करना होगा उसमें। क्या लगता है आपको, नितिन गडकरी जी को विकास ठाकरे जी जो है वो टक्कर दे रहे हैं? गडकरी साहब का नाम और गडकरी साहब का काम इतना बड़ा है, तो मेरे ख्याल से तो टक्कर की कोई बात है ही नहीं। और जो बीजेपी का सपोर्ट है यहाँ पे सबको, और जो काम दिख रहा है बेसिकली का डेवलपमेंट दिख रहा है, जो सिटी में पिछले 10-14 साल के पहले नहीं था वो डेवलपमेंट दिख रहा है, उसी से लोग खुश है। ठीक है थोड़ा स्लो है, आ जाएगा, पर नागपुर में जो जो ग्रोथ है जो स्लो है पर आ जाएंगे, आज नहीं कल आने वाली है। और पर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बेसिक लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर आज नागपुर में खड़ा हो चुका है। आपको क्या लगता है नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? 100% नितिन गडकरी जी, क्योंकि जैसे साहब ने बोला कि विकास ठाकरे भी अपने आप में एक नेता है, वो कोई छोटे नेता नहीं है, बट गडकरी सर साहब के सामने उनका जो कद है वो इतना बड़ा नहीं है जितना, क्योंकि गडकरी साहब जो है, गडकरी जी जो है वो देश के नेता है, और अभी उनको उनका काम जो है पूरा देश देख रहा है। उन्होंने सिर्फ नागपुर में काम नहीं किया है, उन्होंने जो काम किया है ना वो पूरे देश ने किया है। और आप साउथ में जाओ जहाँ पे
लोग बाकी किसी बीजेपी के नेता को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप गडकरी जी का नाम सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो नॉर्थ ईस्ट में जाओ, साउथ में जाओ या राजस्थान में जाओ, किसी भी रिमोट जगह पे भी आप जाके हो तो उनको पता है कि ये नेता ने ये काम किया है। तो उनका ये जो काम है ये उनको 100% जीत दिलवा के रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम मंदार खुरगे। इस बार नागपुर के लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका बहुत कम नहीं कह सकते, ओवरऑल एवरेज देखा जाए 4-5 एमपी का तो इलेक्शन में 55-60 यही एवरेज रहा है। हाँ, इस बार थोड़ा सा और 1-2% 55-60 जो है उसमें और 53 में बहुत फ़र्क है। हाँ, तो इस बार और थोड़ा कम हुआ है, तो इसमें फ़र्क ये होगा कि नितिन सर जी के मार्जिन में, विनिंग मार्जिन में फ़र्क आ सकता है आई थिंक। मतलब आप पहले, मतलब रिजल्ट के पहले आप बोल रहे हैं कि नितिन जी विन करने वाले हैं? हाँ, मैंने देश के विकास को वोट दिया है और ये हर कोई देख रहा है कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, और इससे आप भी अनदेखा नहीं हो, जहाँ तक आप पत्रकार हो आपको भी इस बात का नॉलेज है। क्या हो सकता है? अंधभक्त होके नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। वोट किया आपने? हाँ। और क्या कारण हो सकते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का? वोटिंग परसेंटेज तो कम होने का एक कारण मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि फ्राइडे को इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। मोस्ट ऑफ जो सर्विस करते हैं उनको फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी मिल गई, चले गए मौज मस्ती करने के लिए, तो एक रीज़न हो सकता है कि फ्राइडे को नहीं होना था। और सेकंड ये था कि ऐसी कान पे बहुत सारी बातें आई है कि बहुतों का नाम नहीं था वोटिंग लिस्ट में, अब मेरा था, मैं दे रहा हूँ, जब से मेरा वोटिंग है तो मैं एकदम से ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ, पर बहुत उससे जैसे कोई मित्र कह रहा है, कोई पारिवारिक बोल रहा है कि हमारा नाम नहीं था पिछली बार, था इस बार नहीं है। तो नाम नहीं होना भी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है क्या? उलटफेर नहीं, उतना उलटफेर नहीं हो सकता, पर ये इलेक्शन कमेटी की गलती है, जो इलेक्शन काउंसिल रहता है, तो ये तो उनकी गलती है, क्योंकि वोटिंग में नाम रहना ना रहना, जनरल पब्लिक तो अपना काम करती है। नागपुर में विकास ठाकरे भी एक काफ़ी जाना माना नाम है, काफ़ी बड़े लीडर है, उनके बारे में मतलब वो गडकरी जी के सामने में कहाँ स्टैंड करते हैं, कहीं तो स्टैंड करते होंगे? देखो, आज का मुद्दा ये है, हर कोई अपनी जगह है, हर किसी का अपना ओन स्टैंड रहता है। और बात जहाँ तक विकास जी की आ रही है, ही इज़ वेरी फेमस और वेरी गुड पर्सन, मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिला, पर उनका भी एक अच्छा फैन फॉलोइंग है नो डाउट, आज तक वो MLA सीट पर रहे हैं। पर नितिन जी के कंपैरिजन में मैं उनका नाम मैं नहीं कंपैरिजन कर सकता। नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? ऑब्वियस ही बात है, गडकरी साहब। क्या नाम भी आपका? सचिन सिरसवा। नागपुर में इस बार लोकसभा सीट के लिए जो इलेक्शन हुए हैं उसमें वोटिंग काफ़ी कम हुई है, इस क्या कारण समझते हैं आप इसका? इसके तो वैसे 2-3 कारण हैं, जैसे धूपकाला भी था, धूपकाला चालू है तो धूप भी ज़्यादा है, ऊपर से कई लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में ही नहीं थे, मेरी बहू का भी नाम नहीं था, वोट डालने गई थी लेकिन वापस आई। पिछले साल मतलब पिछली बार जब वोट हुई थी तब था वो नाम, उनका नाम था, तब उनका नाम था, उन्होंने वोटिंग भी किया था, इस बार जाके वो वापस आए, मेरा भी खुद का नाम नहीं था, फिर मैं सिटी में आके वोटिंग किया, मेरा यहाँ नाम था तो मैंने यहाँ वोटिंग किया। इस बार क्या कम वोटिंग जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को कम ज़्यादा कर सकती है? हाँ, वो तो फ़र्क तो पड़ेगा, मैंने अभी कहीं पोस्टर देखा था कि उसमें कुछ 10,15,000 समथिंग कुछ वोटिंग, मतलब नागपुर में ही नहीं हुआ था, 10,000 वोटर्स के नाम नहीं थे, ऐसा 10 लाख ऐसा पोस्टर लगा था कि 10,15,000 समथिंग लोगों ने वोट ही नहीं किया। हाँ, 10,15,000 तो वोटिंग नहीं किए, और तो वैसे आप पकड़ लीजिए कम से कम 2-3 लाख के तो नाम ही नहीं होंगे, जैसे मेरे घर से 2 जन के नाम नहीं थे। तो इसके बावजूद क्या लगता है आपको, नितिन गडकरी अपना थर्ड टर्म नागपुर में कंटिन्यू कर पाएंगे या विकास ठाकरे उनको ओवरटेक करेंगे? ऑब्वियसली नितिन गडकरी जी आएंगे, उनको तो नागपुर से कोई हरा नहीं सकता। विकास ठाकरे भी बड़े लीडर है? नहीं, विकास ठाकरे बड़े लीडर है बट उनसे बड़े लीडर नितिन गडकरी जी है। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट अमोल खंडाले, अम्बा पश्चिम नागपुर से। अमोल जी, एक बात बताइए, इस दफ़ा नागपुर में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है, क्या वोटिंग परसेंटेज कम होना इलेक्शन के रिजल्ट को कम ज़्यादा कर सकता है? बहुत नहीं, लेकिन कर सकता है। एक्चुअली वैसे देखा है तो नितिन गडकरी जी लोकप्रिय नेता है नागपुर से, और विकास ठाकरे भी ऑल्सो। अब रही बात ऐसा, वोटिंग परसेंटेज टेम्परेचर भी बहुत आया था, उस वजह से कम हुआ,
ऐसा नहीं बोल सकते कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज कम हुआ करके। कई लोगों का पश्चिम नागपुर में ये भी आरोप है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं था, जबकि उन्होंने पिछले इलेक्शन में वोटिंग की हुई थी। हाँ, इस बार काफ़ी तकलीफें तो हुई है, क्योंकि इस बार वोटिंग लिस्ट में सही में बहुत लोगों के नाम कटे और उन लोगों ने थोड़ा अवेयरनेस, ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने तो पहले अवेयरनेस ये करना चाहिए था प्रोग्राम, कि जिन लोगों के नाम नहीं है उन लोगों ने पहले ये कन्फर्मेशन करना चाहिए था। क्या लगता है आपको, नितिन गडकरी आएंगे अपना तीसरा टर्म वो फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर विकास ठाकरे उनको ओवरटेक करेंगे? ये तो इलेक्शन है, इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते पहली बात तो, लेकिन हाँ चांसेस ज़्यादा गडकरी के, क्योंकि जो लीडिंग MPs है तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स में, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम भी अपना? सतीश कटरे। इस बार के इलेक्शंस में जो लोकसभा के 2024 के हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, क्या इसका इलेक्शन के परिणामों पर कोई फर्क पड़ सकता है? हाँ, हो सकता है ना, अगर देखा जाए तो अगर वोटिंग ही कम होगी तो रिजल्ट भी उसमें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होगा ही। आपको क्या लगता है कि कम वोटिंग का, वोटिंग परसेंटेज का असर नितिन गडकरी जी पे होगा या विकास ठाकरे पर? देखो, ये तो इलेक्शन है, एक पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हो भी सकता है, अगर किसी एरिया में कम ज़्यादा अगर होता है उनके हिसाब से तो हो भी सकता है इस पर असर, लेकिन अगर देखा जाए उनके काम का अगर ये सब चीज़ें तो चांसेस कम भी है। मतलब एक लाइन में, विकास ठाकरे या फिर नितिन गडकरी? या तो नितिन गडकरी चांसेस ज़्यादा है। आपके हिसाब से कौन आना? विकास ठाकरे। नितिन। शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।